हेलो 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 हेलो, ठीक है चलो। तो ओवरी तो आपको पता था इसका कि फायदे क्या क्या है, डिजिटल हाँ मार्केटिंग के जरूर फायदे बता। वगैरह। तो चलो फिर आगे शुरू करते हैं, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग में पहला टॉपिक है अपना कंटेंट मार्केटिंग। अब कंटेंट कितने टाइप के हो सकते हैं, बात हुई थी हमारी पहले इस बात पे, नहीं कंटेंट कितने टाइप के हो सकते हैं। देखो कंटेंट हो सकते हैं आपके, है तो चलो एक टाइप है, उसी में से सारे निकल सकते हैं। जैसे वीडियो है, वीडियो में सब कुछ समराइज कर सकते हैं, क्या टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, इमेज भी डाल सकते हैं, ऑडियो भी डाल सकते हैं, तो सारी चीज़ें आएगी। लेकिन अलग अलग करनी है तो हम लिख के किसी को कंटेंट दे सकते हैं, पिक्चर के हिसाब से कंटेंट दे सकते हैं, ठीक है, ऑडियो का कंटेंट दे सकते हैं और वीडियो का कंटेंट दे सकते हैं। तो इस हिसाब से चार कंटेंट होते हैं। अब इन कंटेंट से ही हमें दूसरे कस्टमर को क्या करना पड़ता है, अट्रैक्ट करना पड़ता है। इस कंटेंट से दूसरे कस्टमर को अट्रैक्ट करना पड़ता है कि कैसे हम उन्हें अपने बारे में बता सके, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सके, और वो फिर हमें क्या कर ले, ज्वाइन कर एक्सेप्ट ले, कर ले, एक बार कर ले। ताकि फिर उससे हमारे बेनिफिट हो जाए। तो ये सारे कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना हम इसमें सीखेंगे कि कैसे हम रिप्रेजेंट करें दूसरों के सामने कि अच्छा आउटपुट हमें मिले। फिर इसके बाद आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इससे पहले आपको सर्च इंजन पता होना चाहिए क्या होता है। तो सर्च इंजन क्या होगा, कुछ आइडिया है? तो देखो सर्च इंजन क्या होगा कि जैसे मान लो आपको अपने घर में कोई चीज़ ढूंढनी होती है, तो जो घर में रहता है उसको सब पता होता है ना कहाँ पे, जैसे आपकी मम्मी है मान लो, उन्हें पता होगा कि ये चीज़ यहाँ है ये चीज़ है। तो मम्मी क्या होगी, घर की सर्च इंजन होगी, उन्हें सारी चीज़ें पता है। वैसे इंटरनेट की दुनिया में आपको कोई चीज़ ढूंढनी है तो आप थोड़ी सी जानकारी देते हो कि मुझे ये चाहिए और वो आपको रिजल्ट दे देता है, तो उसे हम सर्च इंजन कहते हैं। किसका, इंटरनेट का सर्च इंजन हो गया। जैसे यूट्यूब पे कुछ सर्च करना होता है, लिखते हो आ जाता है, तो वो यूट्यूब का सर्च इंजन हुआ। लेकिन हम सर्च इंजन किस पे काम करने वाले हैं अभी, गूगल के सर्च इंजन पे, ठीक है। तो उसका ऑप्टिमाइजेशन भी हम इसमें सीखेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका सर्च इंजन मार्केटिंग पेपर क्लिक। अब सर्च इंजन मार्केटिंग और पेपर क्लिक क्या है, देखो जहाँ ऑप्टिमाइजेशन की बात आई तो वहाँ पे हमें खुद से चीज़ों को सही कर करके सर्च कहीं करके ऑप्टिमाइज करना पड़ता है और उससे हमें रिजल्ट मिलता है, तो वहाँ पे अपनी स्किल्स लगती है। अभी यह बात आती है मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग में तो अपने पैसे लगते हैं, किसी भी चीज़ का एड पोस्ट करने में पैसे लगेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पेपर क्लिक, मतलब इसी के एक टर्म है पेपर क्लिक की, मतलब हम जो यूट्यूब पे ऐड चलती है वो तो छोड़ दो, गूगल वाली ऐड जो चलती है एडी लिखा आता है उस पर कोई क्लिक कर लेता है तो पैसे कट जाते हैं ना, अच्छा, आपको नहीं पैसे पता, कटते पैसे हैं। कट जाते हैं। एडी पे कोई क्लिक करता है तो उस इंसान के पैसे कट जाते हैं क्योंकि आपने उसकी ऐड को देख लिया, किसके पैसे कटे होते हैं? जो इंसान ने ऐड चलाई, ठीक है। जैसे गूगल पे मान लो, गूगल पे ही चलते हैं हम, यहाँ पे देख लूँ फैशन क्लो देख लूँ, क्या पता इस पे ऐड हो। आप समझ गया होंगे कि ऐड चल हाँ रहा है यहाँ और पे कोई ऐड चल रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दिया आपने तो हमने उसके इन्हें कैंसिल कर दिया तो रिजेक्ट हो गया। यदि हमने देखने कोशिश किया तो फिर उसके उसके पैसे पैसे कट कट गए, गए। उसके पैसे कट गए, ठीक है। तो वो चीज़ होती है। फिर आता है आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन तो वही हो गया, अपने स्किल्स लगा के अट्रैक्ट करना है लोगों को, मार्केटिंग में हम ऐड चलाते हैं, ठीक है। अब आता है एफिलिएट मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर में क्या होता है, कंटेंट बनाना पड़ता है ऐसा ताकि लोग हमारे से जुड़े, ठीक है, ऐसा ऐसा कंटेंट बनाना पड़ता है, लोग आके हमें देखें, रोज रोज आए अपने हमारी वेबसाइट पे या पेज पे और वहाँ से कंटेंट कंज्यूम करें, तो वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो जाएगी। मान लो आपके पास इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग आए और आपने फिर किसी की एक ऐड भी डाल दी तो उसके भी बहुत सारे आप पैसे मांग सकते हो कि हाँ भाई अभी ऐसे कोहली ने किया था, 8 करोड़ लिए थे उसने एक पोस्ट डालने के, तो ऐसे आप भी कर सकते हो। फिर एफिलिएट मार्केटिंग है। एफिलिएट मार्केटिंग क्या क्या होता है, जैसे मान लो मैं अमेज़ोन पे जाता हूँ, ठीक है, अमेज़ोन की ऐड चल रही है, अब मैंने क्लिक कर दिया तो इसके पैसे कट जाएंगे, ठीक है। अमेज़ोन पे गया और फिर मैं डायरेक्ट जाता हूँ नीचे, तो यहाँ पे देखो बिकम एन एफिलिएट लिखा है, ठीक है। तो ये क्या है कि हम इसके कोई भी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं,
जो यहाँ पे, और अगर हम बेचते हैं तो उसमें से हमें कुछ कमीशन मिल जाएगा। तो ये ऐसा मेंबर बनना पड़ता है इसका, एफिलिएट का। फिर हम एक लिंक मिलते हैं, हम उस लिंक को पोस्ट करते हैं जगह जगह, और फिर वहाँ से हम पैसे बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अपना ईमेल मार्केटिंग। अब ईमेल मार्केटिंग क्या होता है कि एक बार तो मान लो कस्टमर ने हमसे सामान खरीद लिया, तो उसे दोबारा तो ऐसा तो नहीं जाने देंगे हम। एक बार तो सामान खरीद लिया तो उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि हाँ भाई चल अब जा रहने। ये भी तो चाहेंगे कि वो प्रोडक्ट दोबारा खरीदे या किसी और को बताए, तो फिर हम इसे ईमेल के थ्रू कूपन कोड वगैरह, डिस्काउंट वगैरह ऐसे दे के टारगेट कर सकते हैं ताकि वो दोबारा चीज़ों को खरीद ले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी वेबसाइट के बारे में, कि वेबसाइट क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या ज़रूरत पड़ी वेबसाइट की जब हमारे पास शॉप है। तो जब हमारे पास शॉप है तो वहाँ पे कम ही यूज़र को हम टारगेट, एक टाइम पे मान लो 10 यूज़र आ रहे, उससे ज़्यादा तो आ नहीं सकते, ज़्यादा आएंगे तो भीड़ हो जाएगी, वैसे ही भीड़ वाली दुकान में फिर इतना कोई घुसेगा नहीं, है ना। लेकिन देखना भी चाहेंगे, घुसना भी चाहेंगे, लेकिन संभाल नहीं पाओगे। लेकिन आपकी वेबसाइट एक टाइम पे बहुत सारे यूज़र को आराम से संभाल सकती है। जैसे मैंने अभी अमेजोन खोला था, तो मान लो ये प्रोडक्ट देख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट देख रहा हूँ। अब ऐसा तो है नहीं सिर्फ मैं देख रहा हूँ, इस टाइम पे कोई भी कहीं भी कोई भी खोल रख सकता है इस चीज़ को, और वो भी देख सकता है, ठीक है, और चाहे तो वो एकदम से बाय भी कर सकता है ना। ये तो है नहीं कि सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ, एक टाइम पे हज़ारों लाखों यूज़र इसे बाय भी कर सकते हैं, तो एक टाइम पे इतना सारा बिक भी जाता है। लेकिन एक टाइम पे आप यही मतलब स्वेटर दिखाने लग जाओ किसी को तो वो नहीं हो पाएगा, दो चार लोगों को ही दिखा सकते हैं, है ना। अब मान लो यहाँ पे आप हाई मार्जिन कमाओ और दिन में 4 बेचो, और थोड़ा सा कम मार्जिन कमाओ और दिन में 1,000 बेचो, तो किस में ज़्यादा फायदा है? 1,000 वाले में है ना ज़्यादा फायदा, ठीक है। तो इसलिए वेबसाइट बनानी ज़रूरी होती है। लेकिन फिर आपको कोडिंग वगैरह तो आती नहीं जिसमें वेबसाइट बन सके, तो इसलिए वर्डप्रेस बनाया गया है। वर्डप्रेस ऐसा प्लेटफॉर्म है कि कंप्यूटर की थोड़ी सी नॉलेज से होती है, वो आराम से वेबसाइट अपनी बना सकता है, ठीक है। अब वेबसाइट के दो टाइप होते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। समझ में आ रहा है ना सर आपको? पक्का सारा? तो मैं भी पूछूंगा, ठीक है। तो दो होते हैं, एक स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक वेबसाइट, जैसे मान लो स्टैटिक वेबसाइट ये होगी, स्टैटिक वेबसाइट ऐसी होगी जो पहली बार आपको दिखी है वही कितनी भी बार खोल लो वैसी ही दिखेगी, ठीक है। लेकिन डायनेमिक वेबसाइट ये होगी जैसे अमेजोन की है। अब मान लो मैंने एक बार खोल लिया ये वाला, ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को ये सारे प्रोडक्ट स्टैटिक वाले दिखे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ तो मुझे अलग अलग दिखता है ना, अपनी हिसाब से अलग दिखता है, तो वो डायनेमिक वेबसाइट होती है जो यूज़र का डाटा लेके और उसके हिसाब से उसे चीज़ें दिखाती है, ठीक है, तो वो होती है डायनेमिक वेबसाइट। और स्टैटिक जो जैसी की है वैसी की वैसी ही रहेगी, कंप्लीट हो गया। हाँ वैसी की वैसी रहेगी। अब जो है वेबसाइट डिज़ाइनिंग की लैंग्वेजेस देख लो आप, HTML है, CSS है, JavaScript है, ये सारी क्या है वेबसाइट की डिज़ाइनिंग के लैंग्वेजेस है। तो इन सारी इसमें हम वेबसाइट अपनी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो पहले आप एक बार HTML देख लो। देखो मैं दिखाना चाहूँ तो आपको HTML, तो ये देखो ये नॉर्मल दिख रहा है ना ऐसा, तो ये है क्या आपका पासवर्ड लगा रखा है। HTML, HTML अगर मैं देखो ये देखो ये इतनी अच्छी दिख रही है, ठीक है, ये इतनी अच्छी दिख रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे जाता हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। नॉर्मल इंडेक्स डॉट HTML,
बस ये वही वेबसाइट है, ठीक है, अच्छी दिख रही है यहाँ से, क्योंकि इसमें CSS भी लगी हुई है और जावास्क्रिप्ट भी लगी हुई है, ठीक है। अगर मैं इसमें से CSS हटा दूँ तो देखो ये CSS ऐसी दिखती है, कुछ CSS दिखती है ऐसी, देखो ऐसी, और अगर मैं इसे हटा दूँ ये यहाँ तक आ गई ना, और अब मैं इसे हटा दूँ, हटा दी, कट गया, सेव कर दिया, तो ये वेबसाइट ऐसे दिखेगी। ऐसी अच्छी लगती है ना। तो ये सिर्फ क्या है, HTML की वेबसाइट है, सिर्फ HTML की वेबसाइट। अगर CSS की वेबसाइट देखेंगे तो वो दिखेगी ऐसी, अगर CSS के साथ होगी तो। CSS के साथ होगी तो वेबसाइट बहुत अच्छी दिखेगी। CSS क्या देगा, इसे ब्यूटी देगा, और HTML के साथ सिर्फ स्ट्रक्चर बनेगा जिसपे ब्यूटी लगानी है। अलग सॉफ्टवेयर है या HTML नहीं, CSS अलग लैंग्वेज है, सॉफ्टवेयर नहीं है, अलग है? कोडिंग अलग है CSS की और HTML की अलग है। जैसे ये देखो, ये CSS है, अलग से लिखी जा रही है ना। और उसके बाद मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये है अपनी, कहाँ गई, ये अपनी है HTML, ये दिख रही है, ये अपनी क्या है HTML, और ये अपनी क्या है CSS, ये अलग दिख रही है ना, और ये अलग दिख रही है ना, तो दोनों अलग अलग लिखी जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये क्लिक होता है, उसके बाद अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई क्लिक कर रहा हूँ ऐसे, तो ये खुल जा रहा है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये खुल जा रहा है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ ये बंद हो जा रहा है, ऐसे होता है। तो उसे वो काम कराती है आपकी जावास्क्रिप्ट, ठीक है, तो वो सारा काम आपका जावास्क्रिप्ट कराती है। HTML क्या करता है, कोडिंग हाँ, स्ट्रक्चर बनाएगा। CSS क्या करेगा, CSS उसे अच्छा से रिप्रेजेंट करेगा, दिखाएगा, और जावास्क्रिप्ट उसमें जान फूंक देगा एक तरीके से, कि यहाँ पे क्लिक करने से कुछ हो जाए, वहाँ पे क्लिक करने से कुछ हो जाए, वो जावास्क्रिप्ट करेगा क्या। हाँ, यही हो रहा है, यही हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी लैंग्वेज है, लेकिन हम आपको वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना सिखा देंगे, ठीक है, वर्डप्रेस में कैसे वेबसाइट बनती है। उससे पहले आप ये जान लो कि वर्डप्रेस होता क्या। जैसे मान लो अभी हमने यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाना होता है, ये है, इसके अंदर कोई नया फोल्डर नहीं बनाया ना, नहीं, एक न्यू नाम का फोल्डर ये देखो यहाँ दिख रहा है, इस पर क्लिक करके मैं बना सकता हूँ, बना दिया फोल्डर एक मैंने, आराम से बन गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। लेकिन अब मैं आपको इससे कहूँ कि आप इससे बना दो, इससे फोल्डर बना दो, तो बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। तो वैसे ही आप, मैं आपको बोलूँ कोड लिख दो, लिख नहीं पाओगे ना, है ना। लेकिन देखो, इससे मैं फोल्डर बनाना चाहूँ तो देखो बन जाएगा, बन गया ना, है ना। काम तो दोनों से हो गया, काम से मतलब है, मैं तो काम से दोनों से हो गया, चाहे वैसे हो चाहे ऐसे हो, वैसे ही वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस में आप नॉर्मल ऐसे ऐसे उठा उठा के वेबसाइट बना लोगे, वेबसाइट बन गई, कोडिंग भी नहीं करनी पड़ी और वेबसाइट भी बन जाएगी, ठीक है। हम इसको डिलीट कर लेता हूँ, डिलीट कर दिया, ठीक है। तो वर्डप्रेस आपको मैं दिखा देता हूँ कैसा होता है। देखो वर्डप्रेस ऐसा होता है, ये दिख रहा है इसके अंदर कितनी सारी थीम है, तो सिर्फ ये दिखने में ऐसा रहता है, और इसे उठा उठा के हम अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं, और ऐसे करके अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। कोडिंग तो दिख नहीं रही कहीं भी, वर्डप्रेस नॉर्मल दिख रहा है, ऐसा डैशबोर्ड होता है उसका, ऐसा डैशबोर्ड होता है। अभी आप जब डोमेन और होस्टिंग ले लोगे, उसके बाद फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे वेबसाइट बनाई जाती है, फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। HTML में कोडिंग कैसे लिखते हो आप? HTML में कोडिंग ऐसे लिखी जाती है, मैं HTML खोल कर क्या थोड़ा दिखाऊंगा। HTML खोल करके चला के दिखाऊं, चलो ये है HTML का, खाली हो गया, ठीक है। अब इसमें बताओ क्या लिखना है, एक हेडिंग डाल दूं, हेडिंग में लिख दूं, क्या लिखूं बताओ, हेडिंग MTC डाल दो। एम
पीसी हेडिंग में एमटीसी डाल दिया। ठीक है, अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको, ये कहाँ चला गया, इसको लाइव। ठीक है, ए डॉट एच टी एम एल हेडिंग में एमटीसी आ गया, ये एच टी एम एल का आ गया। और कुछ डालना है इसमें, इसको लेफ्ट राइट घुमाना है तो लेफ्ट राइट घुमाना हो तो सी एस एस चाहिए, वरना एक ये मार्क्यू लगा दो, एक मार्क्यू टैग आता है ना उससे हो जाता है, मार्क्यू टैग से हो जाता है। एम पी सी बिहेवियर डायरेक्शन, ऐसे हो जाता है। लेकिन ये आप काम नहीं कर रहे, एच टी एम एल का ये तो सारा डेवलपर करेगा। तो हाँ, आपको सीखना पड़ेगा ना फिर अब सारा कोडिंग। हम सीख रखे हैं लेकिन ये है कि प्रैक्टिस नहीं है। हाँ तो तो कर दिया था कर तो सकते हो, फिर आप भी कर सकते हो, लेकिन अभी एडवांस आ गया ना सारा। अगर मैं आपको अभी किसी वेबसाइट का कोड दिखाऊं, चलो मान लो, तो आते रहेगा एडवांस को नई चीज नहीं है। हाँ तो उसको सीखने में फिर आपको कम से कम भी 2 महीने लगेंगे अलग से। जैसे ये वेबसाइट है, अब ये ऐसे दिखती है, अब यहाँ पे आपको ये वाला कोड समझना पड़ेगा। ये पता होगा तब भी वेबसाइट हाँ बनाएगा ना अच्छे से। नहीं, बिना ऐसे बना सकते, ये पता ना हो तब भी बना सकते। एक वेबसाइट बना के दिखा दूँ फिर आपको, फिर वीडियो रिकॉर्ड रहेगी, आपको डोमेन होस्टिंग मिला रहेगा, तो फिर आप कर लेना। इसमें हमें रिकॉर्ड का रिलेटिव हम चेंज नहीं कर सकते। मामला क्या है का जो बार एक बार बना लिया तो हम रिपीट कर सकते हैं। कर दूसरी सकते बार हैं, हम दूसरा कुछ कर लें। बिल्कुल कर सकते हैं। आपको डोमेन होस्टिंग मिलेगी ना, उसमें कर लेना आप। मैं आपको एक काम करता हूँ, एक वेबसाइट बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें HTML कहाँ पर क्या इसमें जो अंदर जो होती है HTML आपने ऑनलाइन निकाला या इसके अंदर लोड है इसके लोड अंदर ही है थी? नहीं होती है ना हाँ अंदर ही थी, कहाँ लोड नहीं कहाँ है। ये वाला ना, ये है ना, ये रही फाइल ए डॉट एच टी एम एल नाम से, और इसकी एच टी एम एल ये रही। मैं HTML अलग से लोड करनी पड़ती ना तो ऑफिस लोड करते उसी में आ जाता है ना अरे नहीं, वो आप सब वो सब काम नहीं है, अब तो सीधा हो जाता है फटाफट। मैंने अलग से डालनी पड़ती है क्या HTML। ठीक एच टी एम एल अलग से लिखनी पड़ती है, एक फाइल बनानी पड़ती है, बस इसको ब्राउजर में खोल दो, हो गया। इसमें वर्ड में किस में नोट कर दूं अब वीएस कोड में लिखता हूँ, नोटपैड में भी लिख लो आप, बहुत सारे टूल्स भी आ गए ना फटाफट लिखने के लिए। तो आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट बना के दिखाता हूँ मैं। वर्डप्रेस में आपको ये ना एच टी एम एल लिखना पड़ेगा ना कुछ लिखना पड़ेगा, और वेबसाइट बन के तैयार हो जाएगी, बस एक बार ही हो जाए फिर बताता हूँ। तब तक मैं ऐसे कर देता हूँ, डिलीट स्पेस डीएसपी एक्सटेंशन सेटिंग डॉट सेशन डेटाबेस बना लेता हूँ। तब तक क्या नाम है, आपके नाम से वेबसाइट बना देते हैं, चलो बताओ। चुप नाम से डाल दो मल्टी ट्रेनिंग सेंटर नाम से डाल दो। एम टी सी डाल देता हूँ, ये तो यहीं रहेगी, ये कहीं दिखेगी नहीं। हाँ वही एक एलबम होता है साथ साथ ही ये तो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं, वर्ड प्रेस को कर रहा हूँ। ये प्रोसेस आपको नहीं करना, ये आपको मिलेगा बना बना, ये तो बस मुझे करना पड़ रहा है एम टी सी नाम से। ठीक है, आप ब्राउजर में चलते हैं, लोकल होस्ट नहीं ये क्या है कि मैं अपने कंप्यूटर में कर रहा हूँ, तो
तो मैंने इसमें फिलहाल सेटअप बना रखा है कि मैं इसमें ऑफलाइन वेबसाइट क्रिएट कर सकूं, लेकिन आपको मिलेगा ऑनलाइन, तो आप कहीं से भी खोल सकते हो अपना डोमेन का नाम डाल के। ये तो ऑफलाइन सेटअप है। ठीक MTC ठीक ईमेल आईडी में हमेशा वही नंबर डाल सकते हैं जो उसमें रजिस्टर्ड है, हाँ वही डालना चाहिए, नहीं डाल सकते? नहीं फिर दिक्कत हो जाएगी ना, दूसरा डाल दोगे तो कभी नंबर चेंज करना पड़ गया, मतलब पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा तब। अब आप जब अपनी वेबसाइट खोलोगे जो आपको मिलेगी, उस पे ऐसा डैशबोर्ड आएगा सामने, ऐसा आएगा और आपको मेल में पासवर्ड मिलेगा और यूज़र नेम मिलेगा, तो वो यहाँ पे डाल देना और फिर उससे आप क्या हो जाओगे, लॉगिन हो जाओगे। जब आप लॉगिन हो जाओगे तो आपके सामने ऐसा आ जाएगा, देखो ऐसा आ जाएगा जब आप लॉगिन हो जाओगे ब्राउजर में डाल के, फिर ये आ जाएगा आपकी वेबसाइट का नाम, जो आप अपना नाम बताओगे इस पर राइट क्लिक करके इसको नए टैब में खोलोगे तो ये आपकी वेबसाइट है, ये आपकी अभी वेबसाइट है नॉर्मल सी। ठीक है, अब हमें इसको बढ़िया बनाना है, तो उसके लिए जो जो बता रहा हूँ सिर्फ वो करना और कुछ मत करना, वरना दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अपीरेंस दिख रहा है यहाँ पे, अपीरेंस में जाना है यहाँ पे, और उसके बाद थीम में जाना है। ठीक है, ये वाली जो मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, मेंटेनेंस चाहिए फॉर अ मिनट, ओके एक सेकेंड, थीम में चले जाएंगे। अब ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, आपको वीडियो मिल जाएगी, देख के दोबारा भी कर सकते हो आप। ठीक है, अब इस थीम के अंदर आप ऐड न्यू थीम कर देना। ठीक है, ऐड न्यू थीम पे जब आप ऐड न्यू थीम कर दोगे तो यहाँ पे आपको ये वाली थीम मिलेगी, ASTR है एक्स्ट्रा वाली, तो उसको करना है इंस्टॉल। एक एक स्टेप देख के फॉलो करना तभी ठीक रहेगा, वरना दिक्कत आ जाएगी। कितने नहीं वीडियो रिकॉर्ड रहेगी, दोबारा वीडियो देख सकते हो आप। वीडियो को पीछे आगे पीछे करके यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दूंगा, वहां से आप देख लेना। चलेगा मतलब इस कंपनी की यूट्यूब एक्टिवेट कर दे। ठीक है, अब ये एक्टिवेट हो गया। अब उसके बाद अगर हम अपनी वेबसाइट देखना चाहें तो ये दूसरे टैब में, इसको रिफ्रेश करूं, चेंज होगी ना, हमने तो कुछ नहीं किया इसमें, ना कोड किया ना कुछ, अपने आप चेंज होगी। ये हमारी वेबसाइट है, ये ऊपर लिंक देख लो, लोग क्लोज MTC वाला। ठीक है, लेकिन अभी भी अच्छी नहीं लग रही, तो और अच्छा बनाना पड़ेगा। तो फिर इसमें यहाँ जाना है, अब यहाँ पे इसके देखो इस पे लेके जाओगे तो थीम डिटेल्स आएगा, इस पे क्लिक कर देना और यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कर देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल इम्पोर्टर प्लगइन ये वाला आएगा, यहाँ क्लिक करना है। अब क्या होगा, देखो वेबसाइट बनी बनाई होती है, हमें उठा के यूज़ करना है बस। ठीक है, तो वो ये प्रोवाइड कराएगा जो अभी हम प्लगइन डाल रहे हैं। अब प्लगइन का मतलब ये होता है, जैसे मान लो इसमें मैं इससे चला रहा हूँ लेकिन मुझे ये ख़राब हो गया, मुझे माउस चाहिए, तो मैंने यहाँ लगा दिया माउस, ऐसे करके चला दिया तो एक फंक्शनैलिटी आ गई ना अपने पास। तो वैसे ही प्लगइन में भी कि हमें जो चीज़ चाहिए वो मैं कर देता हूँ और अपने पास फंक्शनैलिटी आ जाती है, इंस्टॉल कर देता हूँ फंक्शनैलिटी आ जाती है। तो जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पे सी लाइब्रेरी का ऑप्शन आएगा अगर कोई एरर आता है तब, लेकिन जैसे ही आप वो इंस्टॉल कर लोगे डायरेक्ट आप इस पेज पे आ जाओगे, ऐसे पेज पे। इस पे स्क्रॉल करना थोड़ा सा ऊपर और यहाँ पे बिल्ड योर वेबसाइट नाउ। अब इसमें से एलिमेंटर को सिलेक्ट करना। ठीक है, जैसे अभी हमें कोडिंग तो नहीं आती, लेकिन हमारे लिए कोई कोड करे उसके लिए हमें एक बिल्डर सिलेक्ट करना पड़ता है, तो ये हमारे लिए कोड करेगा वेबसाइट बनाने के लिए, तो इस पर क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है, अब हमें अपना बिजनेस सोचना है कि किस किस बारे में है, उसी के बिहाफ पे हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी वेबसाइट मिलती है। ठीक है, कुछ प्रीमियम है जिस पे पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन फ्री वाली भी है।
तो आप अपने हिसाब से सर्च कर लेना कि आपको किस टाइप की वेबसाइट चाहिए इसके अंदर देख के, फाइनेंस अकाउंट लो, मेडिकल फोटोग्राफी, फिर पर्सनल केयर में भी है, लोकल बिजनेस, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, एसी टेक्नीशियन, तो यहाँ सारी है। तो मान लो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से उसकी खुल जाएगी एसी कंडीशन की। अब यहाँ पे आप क्लिक करके देख भी सकते हो वेबसाइट की कैसी दिख रही है। जैसे मैंने ये देख ली, हाँ भाई मुझे ये वेबसाइट अच्छी लगी, ये मैंने देख ली। तो उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्किप एंड कंटिन्यू कर दो। फिर उसके बाद यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो वेबसाइट का, हो रहा है ना, तो कलर चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से वेबसाइट का, यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फिर कंटिन्यू कर दो। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट ये कर देना है। ठीक है, अभी अपनी वेबसाइट क्या है, वैसी ही है ना, कुछ नहीं हुआ ना, जो अभी हमने देखी थी वो आ जाएगी अब जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यूट्यूब पे है पाई एग्जिट कर हाँ, इक्विक डिजिटल का अभी आपको दिखा रहा हूँ करके कि कहाँ से आप देख सकते हो। तो यहीं पे वीडियो डल जाएगी, यहाँ पे इसका नाम पढ़ लेना, यहाँ पे मैं नाम डाल दूंगा कि किस टाइम पे डली थी वीडियो, तो वहाँ से फिर आप वीडियो देख सकते हो ये वाली जो हमारी बात हुई है। ठीक है, ये पूरा हो गया। अब अपनी वेबसाइट हमने यहाँ खोली थी, यहाँ क्लिक करके भी जा सकते हैं अपनी वेबसाइट पे और यहाँ से भी देख सकते हैं। अब वेबसाइट क्यों नहीं आई, क्योंकि वो पुराना कोड था, ये जो दिख रहा है पुराना कोड है, हमें नया कोड चाहिए, तो हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो मैंने रिफ्रेश किया, ये देखो मेरी वेबसाइट आ गई। अब कहीं हमने कोडिंग करी इसमें, बस वेबसाइट बन के तैयार होगी जो हमें अच्छी लगी थी, सारी वेबसाइट तैयार होगी ना। ऐसे में तो अबाउट पे बंदा क्लिक, कंप्लेन नहीं करता होगा मेरा काम करने का। वो देख ही रखा, दे ही इसलिए रखा था कि लोग यूज कर सके बना बना के। हाँ, आप प्रीमियम वाली नहीं ले सकते, प्रीमियम वाली दिखाई थी ना मैंने, वो अगर कर लोगे तब कंप्लेन कर सकता है, क्योंकि वो पैसे दे के करवाना चाह रहा है कि आप पैसे दो और फिर आप यूज करो, लेकिन जो फ्री में है तो वो फ्री में है, हम यूज कर सकते। मैं जब करते हैं तो लिखा था प्रीमियम पैसे वाला। हाँ, प्रीमियम लिखा आता था ना, वहाँ प्रीमियम देखा था ना, जिसमें प्रीमियम लिखा आएगा वो पैसे वाला है, जिसमें नहीं लिखा आएगा वो फ्री है। ठीक है, तो ऐसे करके आप अभी भी वेबसाइट तक पहुंच जाओ, फिर उसके बाद आगे इसमें चेंज करना बताएंगे कि कैसे ये नंबर भी चेंज कर सकते हैं हम, कैसे ये लिखा हुआ, ये फोटो, ये सब कुछ कैसे हम चेंज करके अपना डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूँ, इस वीडियो को मैं अपलोड कर